हेलो वीवर्स आप सभी का स्वागत है अभी हम पढ़ रहे हैं ऐसे निबंध शॉर्ट समरी या जीवन परिचय जिसमें अभी हम कई सारे शॉर्ट समरी पढ़ चुके हैं ऐसे पढ़ चुके हैं आइए अब हम देखते हैं आज का हमारा नया ऐसे जो कि है गुरु नानक देव जी के ऊपर तो चलिए पढ़ते हैं गुरु नानक देव इनके बारे में हम कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं जो जो हम पढ़ेंगे लीड ऑफ लीड अ लाइफ ऑफ कॉमन मैन रिचड इक्वलिटी बिफोर गॉड इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन मैसेज ऑफ लव एंड यूनिटी फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन रिच मतलब आध्यात्मिक प्रवचन जो उन्होंने दिए इस्पेक्टिव मतलब जो कार्य किया जा सके और उन्होंने यूनिटी एकता के लिए बल दिया और वह सिख रिलीजन के फाउंडर थे ये सभी हम इसमें पढ़ेंगे तो आइए शुरू करते हैं गुरु नानक देव वॉज बोर्न इन फोर्टीन सिक्सटी नाइन इन तला तलावंदी नियर लाहौर नाउ इन पाकिस्तान मेहता कालू वॉज हिज फादर तृप्ति वॉज हिज मदर शी वॉज अ रिलीजियस लेडी ही वॉज गिवन नेम नानक आफ्टर द नेम ऑफ हिज elder sister nanki pandit's pre decided at the time of his birth that he would be a great self, selfless man he never liked to go to school as he had many questions but there were no answers from the teacher selfless matlab niswad. as he grew up he never liked to Led a life of a common man. His father advised him to be practical, but he, he had no interest in worldly affairs. He got married and had children, but very soon he left his home and became a sannyasi. After some time, he became very फेमस बिकॉज ऑफ हिज सिंपल प्रीचेंजिंग हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम्स टूक इंटरेस्ट इन हीज फिलोसॉफी ही दैट ऑल वर इक्वल इन द आइज ऑफ गॉड यहाँ पर प्रिज्ड का मतलब होगा आध्यात्मिक प्रवचन के द्वारा उन्होंने बताया कि सभी भगवान की नज़र में समान होते हैं नो मैटर वॉट वॉज देयर कास्ट और रिलीजन ही थॉट दैट मैन शुड बी अ जज्ड बाय हिज डीट्स नो बाय वेल्थ एंड कास्ट डीट्स का मतलब अपने कार्य के द्वारा वह जाना जाए न कि उसके कास्ट के द्वारा उसके जाति के धर्म के द्वारा हीज मैसेज वॉज लव एंड यूनिटी इट इट इज सैड दैट द मोगुल्स इम्प्रर बार बर वॉज हाईली इम्प्रेस्ड बाय हिम ही ट्रेवल्ड फॉर एंड वाइड टू कन्वे द मैसेज ऑफ लव वाइड मतलब जो धर्म से रिलेटेड अविस्मरणीय जो चीज़ें हैं वह उन्होंने दुनिया को बताई Mankind and God, he believed that there is only one God. He was a great saint of India. He tried to bring unity between Hindu religious and Islam. He went to Middle East to pre preach the message of human unity. Preach means Pouchaya, Dharmic Pravachan. ही वेंट ऑन पीलीग्रीमेज पीलीग्रीमेज मतलब उन्होंने तीर्थ यात्रा की टू मिसा वाराणसी हरिद्वार एंड पुरी यहाँ पर उन्होंने तीर्थ यात्राएँ की ही प्रिज्ड देर दैट वन शुड डू गॉड इड्स प्रिज्ड मतलब उन्होंने अपने धार्मिक प्रवचनों द्वारा यह अपने कर्म को ही श्रेष्ठ बताया है अपने जो भी प्रवचन दिए हैं उसमें उन्होंने कर्म को श्रेष्ठ बताया है अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज नो नीड टूथ रोथोडॉक्स कस्टम्स इन रिलीजन ऑर्थोडॉक्स का मतलब होगा रूढ़िवादी जो विचार है उन्हों, उसको धर्म से अलग रखने के लिए उन्होंने कहा है हिज टू डिसिप्लिन Several him day and night one was hindu and other was muslim bala and mardana he was the founder of sikh religion his followers are called sikh he is the first guru of sikh sikhism he helped the weak and poor pupil of the society his saying are included in guru guru granth sahib the holy book of sikhs his birthday is celebrated with great pomp and show Every year he gave the message of love, peace and simplicity to the world। आइए अब हम यहाँ पर कुछ और मीनिंग देखते हैं प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी ह्यूमन यूनिटी मतलब मानव एकता फाउंडर मतलब संस्थापक प्रिस्ड मतलब उपदेश दिया ओ आर टी एच ओ डी ओ एक्स ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी पॉम्प एंड शो मतलब धूमधाम से तो यह था आज का हमारा गुरु नानक देव जी के ऊपर शॉर्ट ऐसे निबंध समरी मुझे मैं आशा करती हूँ कि आपके जरूर काम आएगा और आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे आप मेरे वीडियोस देखिए इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करिए और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मेरा चैनल देखने के लिए तब तक के लिए मैं आप सभी को कहूँगी कि ऑल द बेस्ट एंड नाइस डे